आतंकी घटनाओं ने दहला दिया जम्मू कश्मीर को। पिछले कुछ दिनों में 4 आतंकी हमले हुए हैं। कल हुए आतंकी हमले में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। आतंकी गैर कश्मीरियों को भी निशाना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव से आतंकी बौखला गए। सेना आतंकियों के फुल एंड फाइनल में जुटी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के गुलमर्ग में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टरों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। सेना के मुताबिक 24 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे आतंकियों ने बोटा पथरी में सेना की गाड़ी पर हमला किया। आतंकियों के हमले में एक सुरंग निर्माण कंपनी के 7 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसमें 5 गैर कश्मीरी शामिल थे। जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी, जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाका हो गई है, ये अफसोसनाक एक बात है, क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहां जाएगा वो 3 साल का बच्चा, कि अब तो हद हो गई। जाहिर है कश्मीर में हमलों की इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल को नए सिरे की रणनीति बनानी होगी। कुछ ऐसी ही रणनीति जो विधानसभा चुनाव के दौरान बनाई गई थी, और पूरा विधानसभा चुनाव बिना किसी वारदात के शांति से पूरा हो गया। कश्मीर में जवानों की शहादत पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है और जल्द ही बलिदान का बदला लेने की बात कही है। हालांकि इन हमलों पर सियासी शोर भी होने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन हमलों के बाद एक बार फिर पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का, मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं, और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। कि आतंकवादियों को साफ साफ लगता है कि अब हमारी सुविधाजनक सरकार आ गई है, इसलिए डेली घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार की उदासीनता स्टार्टिंग से शुरू हो गई है। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन केंद्र सरकार है अपने अपने अच्छे कदम उठाकर उनकी सुरक्षा का काम कर रही है। बहुत दुख है क्या, ये जवान जो अपनी जान पर खेलकर वहां के जम्मू कश्मीर के आवाम को बचाने का काम करते हैं, मैं इनको सशस्त्र नमन करता हूं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जाने गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है। लगातार वैश्विक मंचों पर आतंकवाद से जितना भी पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की बातें करता रहा हो, लेकिन पूरी फसाद के जड़ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ही वहां काम कर रहे हैं, और ऐसे में भारत सरकार को भी एक अचूक रणनीति पर काम करना चाहिए। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हाल में हुई आतंकी वारदातों ने सुरक्षा बलों की चुनौतियां तो बढ़ा ही दी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बाद अब मौका है बदला का, शहीदों की शहादत का बदला। उत्तरकाशी